हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहें, मस्त रहें, ठीक है। तो आज का रिव्यू एक ऐसी मूवी के बारे में है जो सोचते नहीं है वैसा ट्विस्ट फेंकती है आपके ऊपर। हाँ, इसीलिए मैंने इस थंबनेल में लिखा है ट्विस्टेड मूवी है। भाई ट्विस्टेड, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। मतलब ऐसे हैं कि तुम एक्सपेक्ट तो नहीं करोगे। मैंने पर्सनली नहीं करे थे ऐसे एक्सपेक्ट, ट्विस्ट आने वाला भी है। तो हमें शुरुआत से एक डायरेक्टर की स्टोरी दिखाई जाती है कि एक डायरेक्टर अपनी मूवी बनाना चाहता है और उसने अपने घर से 3 साल का समय ले रखा है, जिसपे उसके माँ बाप बहुत सपोर्टिव हैं। तो वो जो बंदा है वो स्टोरी बहुत अच्छे से लिखता है, बट जो उस मूवी में पैसे डाले हैं जिसने, जो प्रोड्यूसर है, उसने एक शर्त रखी होती है उसके सामने कि तुम्हें एक पर्टिकुलर जो हीरोइन है जो अभी टॉप पे चल रही है, तुम्हें उससे ही एक्टिंग करानी होगी, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा इस मूवी को बनाने के लिए। तो ये डील होती है उनके बीच में और वो जाता है एक दिन उस लड़की को कहानी सुनाने। तो वो पहले तो सीधा नीचे आके कहती है, मैंने आपकी स्क्रिप्ट 3 बार पढ़ी, मुझे पसंद नहीं आई, सॉरी, हम कभी और काम करेंगे एक साथ, ऐसा बोल देती है। तो उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। उसके बाद ना सेम टाइम पे उसको पता चलता है कि कोई और भी आया हुआ था मीटिंग करने। फिर वो वहाँ पे भी सेम डायलॉग मारती है। फिर जब वो इस कैरेक्टर के पास वापस आती है और वो कहती है, सॉरी मैंने आपको मिस इंटरप्रेट कर लिया, मेरे को लगा आप वो लोग हैं जिनकी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी और उतना मज़ा नहीं है मेरे को, बट हाँ इफ़ यू आर कंफर्टेबल हम कंटिन्यू कर सकते हैं, आप मेरे को नरेशन दो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ कि क्या स्टोरी है, आप मेरे को थोड़ा बहुत बताओ। तो जैसे मैंने तुम्हें प्लॉट बताया कि यहाँ से मूवी एक और स्टोरी के अंदर जो स्टोरी है उसमें जाना चालू करती है और हमें इंट्रो दिया जाता है 3R का, जो कि इस मूवी का नाम है RRR। ये नॉट RRR वो नहीं है, ये RRR है, RRR। हाँ, अलग अलग शब्द सेम तरीके से बोलने जाने वाले। तो इसमें 3R हैं कौन? राहुल, रॉकी, रैम्बो, ये 3 दोस्त हैं। तो हमें शुरुआत में मूवी में बता दिया जाता है कि ये 3 लौंडे बहुत बकचोद हैं अपने दोस्तों जैसे हम लोग हैं, मतलब स्कूटी लेके घूमते रहते हैं, वो हम नहीं करते, हमेशा नहीं करते, कभी कभार करते हैं, ये हमेशा करते हैं, ये इनके ना मार्क्स आते, ये भी मेरी कैटेगरी में से नहीं है, हमारे मार्क्स आ जाते हैं, इनके मार्क्स भी क्लास में 2-3 आ रहे होते हैं जबकि ये 12th कर रहे हैं, इतने तो नहीं आने चाहिए कम, थोड़े बहुत 4-5 तो ज़्यादा ला यार, 100 में से 3-4 भाई। और जो मूवी के अंदर मूवी चल रही है ना, जो नरेट कर रहा है डायरेक्टर, वो ही असली जो सोल है मूवी का, वो है जो बिल्कुल बेसिक है, अब कह सकते हो फंडामेंटल मूवी है, वो है अंदर वाली मूवी, ठीक है। और मूवी में हमें बताया जाता है कि जो इन 3R के प्रिंसिपल हैं, उनकी बेटी सेम स्कूल में आई है, क्योंकि उसके बोर्डिंग स्कूल के पास जहाँ उसकी मम्मी के साथ वो रहती थी, वो उसकी मम्मी की डेथ हो गई कुछ कारणों की वजह से, कुछ हेल्थ कंडीशन की वजह से, तो जिसकी वजह से एक ही बंदा बचा जिसके पास वो वापस जा सकती है, उसके पापा, और उसके पापा उसको वापस ले आए। उसका भरतनाट्यम में आगे जाने का मन था, स्टेट में उसने गोल्ड प्राइज जीता था, बट वो आगे नहीं पढ़ पाई क्योंकि उसके पापा नहीं चाहते कि ऐसे कुछ हो। पर फिर हमें दिखाया जाता है कि बेटी और बाप के बीच में बॉन्ड अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, क्योंकि एक बहुत ख़राब चीज़ होती है लड़की के साथ कि वो जिस ट्यूशन में पढ़ती थी वो उसके बाप का ही दोस्त था, जब वो उसमें पढ़ रही होती है तो एक दिन एक्स्ट्रा क्लास के बाद में वो बैठी होती है और वो क्वेश्चन सॉल्व कर देती है, तब उसका जो ट्यूशन टीचर है वो उसको बहुत गलत तरीके से टच करता है। जब यही चीज़ वो अपने पापा को बताती है तो उसके पापा रिएक्ट करते हैं कि तुम्हारा ये फिर से एक बहाना है ताकि तुम पढ़ाई को बीच में छोड़ दो और तुम अपने मन की कर पाओ, और वो सुन के वो बिल्कुल टूट जाती है। पर फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ये चीज़ हुई है, जब उसके पापा उसकी बात का यकीन नहीं करते, तो वो जो राहुल है वो जो उससे थोड़ा लवी डवी वाला हो गया है सीन, मतलब अच्छे दोस्त से ऊपर बढ़ चुका है एक स्टेप, वो सोचता है एक गॉड लेवल प्लान और वो कहता है कि मैट्रिक में से एस्केप करना है तेरे पापा वाली, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसको नकली किडनैप करने का प्लान बनाते हैं और कर लेते हैं, और फिर 8 या 10 लाख फिरौती मांगते हैं कि अपनी बेटी को जिंदा वापस चाहते हैं, तो 10 लाख लेके आ जाओ, और सेम चीज़ हो भी जाती है और फिर वो छोड़ देते हैं उसको। और अगले दिन ही जब उसका बाप कहीं जा रहा होता है स्टेट से बाहर, तो वो उसको भगा देते हैं हैदराबाद के लिए, और हैदराबाद में कोई उसको नहीं जानता, वो दोस्तों के भरोसे गई होती है, और उसके दोस्त ने किसी तीसरे दोस्त को कहा था कि तू अपने के तू ख्याल रखियो, एक कमरा वमरा दिला दे और वहाँ आ जाएंगे हम 2 दिन बाद, तो तब तक संभाल लियो। तो जो 10 लाख हैं वो लड़की के पास ही हैं, और वो लड़की हैदराबाद है, इन तीनों से दूर, अपने बाप से दूर, और उसके बाप को तो पता भी नहीं कि वो घर में नहीं है, ठीक है। तो एक दिन एक ट्रैफिक लाइट पर 3 लोग वैन के अंदर बैठ के एक राशिफल सुन रहे होते हैं जो कि न्यूज़ चैनल्स पर आता है, तो उनका किस्मत कनेक्शन जुड़ जाता है। एक गंजा जो कि पैसों के लिए कुछ भी करेगा, फिरौती स्मगलिंग हो गया या किसी भी तरीके से पैसे किडनैपिंग हो गया, वो सब करेगा, एक्सटॉर्शन हो गया, सब कुछ करेगा, बस पैसा चाहिए उस टकले को, ठीक है। तो ऐसे ही एक दिन राशिफल में बताया जाता है कि आपको पीले रंग का कुछ भी दिखे आप ग्रैब कर लो, तो लड़की उसी रास्ते से जा रही होती है और तुम मानोगे नहीं, हाँ सोच रहे हो वही होता है, हाँ वो पीले कपड़ों में होती है, तो उसको टकला किडनैप कर लेता है और अपनी वैन में भर के कॉल करता है उसी के दोस्त को जो राहुल है,
अब ये तुम समझ रहे हो इतनी हॉच पॉच हो चुकी है मूवी, बट भाई जो मूवी देखने में मजा आया। लास्ट ट्विस्ट जो है ना, जो मैं बीच में मिलता है कि ये क्या चल रहा है। अब देखो लौंडे फंस चुके हैं तीनों, क्योंकि वो हैदराबाद आ चुके हैं। जो इनके दोस्त है वो किसी और की किडनैपिंग में, बस उस अगर उसके बाप को बताएंगे कि वो किडनैप हो चुकी है तो पहले ये भी बताना होगा कि हमने किडनैप करके यहाँ भेजा, तो वो नहीं बताएंगे ऑब्वियसली। अब फंस चुका है इंसान, तो इसके बाद की इंटरवल के बाद की मूवी एक रोलर कोस्टर राइड है। एंड ऑफ द मूवी बहुत मजे देती है, और मूवी देखते देखते तुम्हें एक बात समझ आएगी कि तुम जिंदगी को क्रॉस करोगे, अपनी किस्मत को क्रॉस करने की सोचोगे कि अभी 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 चीट कोड लगाता हूँ, तो मूवी 10-15 दिन बाद या 10-15 महीने बाद तुम्हें डबल चीट कोड लगा के तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगी। तो तुम्हें अगर उससे बचना है तो बी इन राइट पाथ। और इसमें जो ये प्रिंसिपल है, इसका एक पुलिस वाला दोस्त भी होता है, उसको हम एक जीनियस ही मान के चलते हैं। वो एक जीनियस है जो कि असली चोरों को कभी मानता ही नहीं चोर है, वो केस को सॉल्व करने में नहीं, केस को जड़ से उखाड़ देने में विश्वास करता है। तो जो चोर होते हैं जिस पे सबसे ज़्यादा शक जाना चाहिए, ये कहता है कि नहीं वो तो इनोसेंट है। और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जब मूवी देख रहा था तो मैं सोच भैंस की पूछ, ऐसा कोई लिंक्ड सोच ही नहीं सकता शुरुआत से जो मूवी देख रहा है, क्योंकि डायरेक्टर ने बहुत तमीज़ से लिखा है और जो वो सीन्स डाले हैं शुरुआत में हमें गाइड करने के लिए। अभी मैं कुछ कहूँगा नहीं, मिसगाइड ही हुए थोड़े बहुत बट। और लास्ट में चेजिंग सीक्वेंस है, वो भी बहुत मज़ेदार है, क्योंकि सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, हेरा फेरी चल रही है वहाँ। और मूवी के एंड में एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस दी जाती है राहुल के थ्रू प्रिंसिपल की बेटी को, कि अब शायद से तुम्हें अपने पापा के पास वापस जाना चाहिए, जब तुम इतना सारा तामझाम संभाल सकती हो तो तुम अपने पापा को तो संभाल ही सकती हो। उनको तुम्हें बस एक ये निडर होकर बात कहनी कि पापा मेरे को बस अपने मन की करनी एक बार, सिर्फ एक बार, बस वहाँ मूवी एंड होती है। और एक हैप्पी एंडिंग है, तुम कह सकते हो पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होती है, सब बैक टू नॉर्मल हो जाता है। और मूवी के लास्ट में ये देखना कि बैक टू नॉर्मल हो गई चीज़ें, ये थोड़ा एब्रप्ट करता है स्टोरी को, क्योंकि इतना सारा तामझाम किस लिए, ताकि सब जीरो पाए, इसलिए मेरे को थोड़ा बुरा लगा। बट कोई नहीं, मूवी अच्छी थी और वन टाइम वॉच है, मैं इसको दूसरी टाइम भी कभी दोस्तों के साथ देख सकता हूँ, तो हाँ एक से ज़्यादा बार ही देखी जा सकती है, ठीक है। तो हाँ, आज की मूवी रिव्यू में इतनी हॉच पॉच सिचुएशंस को लेके, ट्विस्टेड मूवी सिनेरियोस को लेके, और मूवी के अंदर मूवी चलती हुई और नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हुए तुम्हें देखना है तो ये मूवी तुम देख सकते हो, जिसका नाम तुम्हें नहीं पता है तो है RRR, नॉट RRR, इट्स RRR, ठीक है। तो मिलता हूँ तब तक के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना बोलिए, और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में एक नई मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बोलिए, दुरुस्त रहना, और मिलते रहना मेरे को इसी चैनल पे अल्फा पॉइंट पे, और सब्सक्राइबर बढ़ाते रहना ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ। और एट लास्ट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और मैं बहुत रिस्पेक्ट लिए कहना चाहूँगा कि किसी और के लिए कुर्बान होना बहुत बड़ी बात है। तो थैंक्स एंड बाय बाय।